तो हे हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, मैं आपका दोस्त ऑगी और आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की सर्वाइवल सीरीज। हे भैया, कैसे हैं आप? ओए तेरा भैया हमेशा सही रहता है, अपना बता। ओए हे भैया, मैं भी ठीक हूँ। और भैया, आज हमारे साथ बॉब भी आया हुआ है। ओए मुन्ना, बॉब तो रोज ही आता रहता है। ओए फिर से आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आओ, बड़ी बात क्यों नहीं हुई बिल्ले, मैं सबकी ठक टिक कर देता हूँ हिचके। और तू क्या ठक टिकी करता है, तेरी खुद की ठक टिकी हो जाती है। ओए हे भैया, आप लोग तो आते ही शुरू हो जाते हैं। हे भैया, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि भैया आज हम लोग को कुछ स्पेशल भी काम करना है। क्योंकि भैया पेदर को मारने की तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो हे गाइस, मैं सबसे पहले उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा जो पिछली वीडियो में ढेर सारे कमेंट किए थे और ढेर सारा प्यार भी बरसाया था। तो गाइस, फिर से बोलता हूँ, इसी तरह से आप अपना सपोर्ट और प्यार बरसाते रहा करिए। और गाइस, मेरी तरफ से सभी को बड़े वाला शाउट आउट। और गाइस, एक चीज और कहना चाहता हूँ, हम लोग 100K फैमिली के बहुत ज्यादा पास है। तो गाइस, प्लीज अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और रॉक इंडियन फैमिली में ज्वाइन हो जाओ ना। जल्दी से सब्सक्राइब करो। ओए ऑगी बिल्कुल सही बोल रहा है, जल्दी से रॉक इंडियन फैमिली में ज्वाइन हो जाओ, इसमें तो पैसा भी नहीं लगता। आ जाओ, साथ में खेलेंगे और मजे भी करेंगे। ओए और मेरी तरफ से सभी को हमेशा वाला 2.5 किलो वाला शाउट आउट। ओ तोड़ दो फोड़ दो और कमेंट सेक्शन में इसी तरह भाषण भी मचाते रहा करो। आओ और मेरी तरफ से सभी को ठक टिक वाला शाउट आउट हिचके हिचके। और जल्दी से सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो हिचके। हे एजल, कैसे हो? ओए ठीक ही होगी, इससे भला क्या होगा। ओए देख कैसे आराम से बैठी हुई है। ओए चलिए भैया आयरन देख लेते हैं। अभी तो भैया 11 और बचे हैं। नीचे वाले में बचे हैं। हे मुकु, तुम कैसे हो? वाओ, मैं एकदम बढ़िया बिल्ले। वाओ हे मुकु, हम बहुत जल्दी वेदर बॉस को मारने वाले हैं। चलो मुकु, बाद में मिलेंगे। हे भैया, सबसे पहले हम सभी को दिखा दे कि हम लोगों ने पम्पकिन की खेती की है। क्योंकि पम्पकिन की खेती करना गाइस बहुत जरूरी था, अगर आयरन गोलम को स्पॉन करना है तो पम्पकिन तो चाहिए होगा ना। ओए इसमें मेहनत तो काफी लग गई। ओए उस समय इस बॉब को तूने क्यों नहीं बुलाया था, थोड़ा सा मेहनत करता तो पतला हो जाता। ओए आओ, मैं पहले से पतला हूँ बिल्ले। है भैया देखिए, इन लोगों ने ब्रीडिंग कर करके पूरा खेती बर्बाद कर दिया। लेकिन भैया कोई बात नहीं, ब्रेड तो दे रहे हैं लेकिन भैया अब कम देने लगे हैं। ओए मुन्ना, मुझे तो लगता है 1-2 को इसमें तोड़ना पड़ेगा। ओए तभी लोग फिर से अच्छे से खेती करेंगे। हाँ भैया बाद में कर लेंगे। अभी तो भैया ये लोग पता नहीं खेती बर्बाद कर दिए। ओए चल कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग को तैयारियां करनी है, पहले उसमें ध्यान देते हैं। हाँ भैया तैयारी करनी तो बहुत ही। ये देखिए भैया, इसमें भी हम लोग के आयरन तैयार हो रहे हैं। हे फॉक्सी, कैसे हो? हे मैं बढ़िया हूँ मिले, अपना सुनाओ। हे फॉक्सी, मैं भी बढ़िया हूँ। ओए ये फॉक्सी शैतान बहुत है, हमें देखते भागने लगता है। ओए हे भैया, वह शर्मीला स्वभाव का है इसीलिए भागता रहता है, लेकिन भैया बोलता तो है ना। आओ आगे, मैंने सुना है कि आज तू गोलम की बड़ी सी आर्मी तैयार करने वाला हिचके हिचके। हाँ भाव बिल्कुल सही। हे भैया, तब तक हमारे आयरन तैयार हो रहे हैं, थोड़ा सा भैया हम लोग कुछ इंचेंटमेंट कर लेते हैं, क्योंकि भैया वेदर को मारने के लिए तलवार तो अच्छी होनी चाहिए ना। ओ ये बात भी सही कही है, अब क्या करने वाला है। हे भैया, हमारे पास शार्पनेस 3 की 2 बुक रखी थी। चलिए भैया उसे शार्पनेस 4 बनाते हैं और अपनी जो कि भैया नेदराइट की तलवार है उसमें थोड़ा सा मिला देते हैं, ताकि भैया हम लोग की जो तलवार है और भी पावरफुल बन जाए। ओ ये बात भी सही कही, चल जल्दी से नेदराइट की तलवार लेते हैं। ओए और फॉक्सी यहाँ क्या कर रहा है? ए मेरी मर्जी। ओए ये मुझसे अच्छे से क्यों नहीं बोला करता? ओए हे भैया ऐसे बोलता ही है, नाराज मत होइए ना। देखिए भैया हमारे इसमें नेदरराइट में पहले से शार्पनेस 4 लगी हुई है। चलिए भैया ये बना ली शार्पनेस 4 और इसमें अगर मिक्स करेंगे तो भैया बन जाएगी शार्पनेस 5। अब भैया देखिए इसमें फायर स्पेक्ट 1 भी लगा हुआ है और भैया शार्पनेस 5 की भी हो गई। तो मतलब भैया अब ये दुनिया की मतलब की माइनक्राफ्ट की सबसे पावरफुल तलवार हो चुकी है। अब भैया इसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। ओ तब तो मुन्ना मजा आ जाएगा, वेदर को तो मैं ही तोड़ूंगा। ओए तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। चलिए भैया अगर आपका हो गया हो तो हम लोग कुछ आयरन के ब्लॉक तैयार कर लेते हैं। ओए मुन्ना आयरन के ब्लॉक क्या करेगा?
हे भैया, हाँ भूल गए क्या, आज हम लोगों को आयरन गोलम की बड़ी सी आर्मी तैयार करनी है। आओ ओगे, तू पूछ किससे रहा है, जैक तो आखिर भुलक्कड़ या ना हिचकिचाया। ओ तू अपना मुंह बंद रख, पहले अपने को देख ले। ओए लेकिन मुन्ना आयरन तो बहुत वेस्ट जाएगा। हे भैया अब वेस्ट तो जाने दीजिए, लेकिन भैया वेदर बॉस को मारने के लिए आर्मी तो तैयार करनी पड़ेगी ना। नहीं तो भैया अगर वेदर बॉस ने ऊपर आ गया भैया तो पूरा हम लोग का घर भी बर्बाद कर देगा। और भैया फिर हम लोग बेघर हो जाएंगे। ओए ये बात भी सही कहे मुन्ना, चल तैयार कर ले, लेकिन वेदर बॉस को तो मैं अपने 2.5 किलो के हाथ से तोड़ दूंगा। ओए चलिए भैया आयरन का ब्लॉक तैयार कर लेते हैं। ओए कितने लगेंगे। हे भैया अगर हम लोग को 10 आयरन गोलम तैयार करने हैं तो भैया 40 ब्लॉक तो लगेंगे ही। ओए इतना सारा आयरन वेस्ट होगा। ओए एक ब्लॉक के लिए 8 आयरन चला जाता है, नहीं भैया 9 आयरन चला जाता है जो कि इनगेट होते हैं। ओए मुन्ना तू तो बड़ा नुकसान करा देता है। चलिए भैया कोई बात नहीं, सोते हैं सुबह काम करेंगे। आओ आगे जल्दी से उठ जाओ हिचकिचके। हे बाप मैं उठ गया। ओए चल बड़ा आया, बहुत जल्दी उठ जाता है। ओए आओ मैं तेरे जैसे आलसी नहीं हूँ हिचके। ओए तू क्या आलसी नहीं है, तू तो महा आलसी है। ओए आओ तू खुद ही आलसी है, वो भी बड़े वाला आलसी हिचकिचका। हे भैया और बाप लड़ना बंद कीजिए ना, हम लोगों को आयरन गोलम की आर्मी तैयार करनी है। थोड़ा सा काम पड़ेगा, सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ओए चल ठीक है, अब तू क्या करने जा रहा है। हे भैया थोड़ा सा मैं पम्पकिन लेने जा रहा हूँ, क्योंकि भैया हे भैया ये देखिए हमारी मधुमक्खी है और भैया इनमें तो शहद भी इकट्ठा हो चुका है, लेना पड़ेगा। ओए मुन्ना काटती बहुत है ये। हे भैया कोई बात नहीं, संभाल कर लेंगे। ये देखिए भैया मैंने सीआरसी ले ली थी, क्योंकि भैया ताकि हम पम्पकिन में मुंह बना सके, तभी तो भैया हम लोग का आयरन गोलम स्पॉन होगा। अगर भैया हम इस तरह का पम्पकिन डायरेक्ट रख देते हैं तो आयरन गोलम स्पॉन भी नहीं होगा। ओ ये बात भी होती है क्या। हाँ भैया होती है, इसीलिए फेस बनाना जरूरी होता है जो कि भैया सीयर से बनता है। ओए अब जल्दी से बकवास मत कर, जल्दी जल्दी फेस बना और जल्दी जल्दी कलेक्ट कर ले। ओए आओ जैक तू ही कलेक्ट कर ले ना हिचकिचके। ओए चल मेरा भाई कर रहा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने 2.5 किलो के हाथ से 1 मिनट में कर दूंगा। ओए आओ तो करके दिखाना जैक। ओए मुन्ना तू छोड़ दे, ये मुझे बार बार चैलेंज दे रहा है। ठीक है भैया ये लीजिए। आप देख बाबी अब जल्दी से मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। ओए वाह क्या बात है फौजी, लगे रहो अच्छा है। ओए चल मुन्ना ये तो कंप्लीट हो गया। ओए हाँ भैया 10 पम्पकिन काफी होंगे, क्योंकि भैया हम लोग को ज्यादा आयरन गोलम स्पॉन नहीं करने, वैसे तो भैया 10 ही ज्यादा है। ओए मुन्ना मेरे तो पहली बात वो 2.5 किलो के हाथ से टूट जाते, गोलम की जरूरत ही नहीं थी। हे भैया आप खुद ही टूट जाते। आओ जैक बेहतर तेरा कचुम्बर बना देगा हिचकिचके। ओ वो क्या बनाएगा देख लेंगे। हे भैया हमारे बहुत से फैमिली मेंबर ने बोला है कि आयरन गोलम की आर्मी बनाओ, इसलिए हम लोग बना रहे हैं। और भैया फैमिली की सुनना तो बनता है, क्योंकि फैमिली हमारा अच्छे ही चाहती है। ओ ये बात भी सही कह रहा है, चल ठीक है आयरन गोलम की आर्मी तैयार कर लेते हैं। अब जल्दी से मुन्ना बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए अब चलते हैं। ओए हाँ भैया अब सीधा हम लोग वहीं पर चलेंगे जहाँ पर हम लोगों की ऑब्सीडियन का रूम बना हुआ था। ओए मुन्ना काफी सारे लोगों ने कमेंट में ये बोला था कि वेदर बॉस ऑब्सीडियन वाले ब्लॉक को तोड़ देता है। ओए हे भैया ये मुझे पता है, लेकिन भैया वो कुछ देर तक तो उसे हैंडल ही कर लेगा, इसलिए भैया ऑब्सीडियन ब्लॉक लगाए थे। और भी भैया कोई ब्लॉक लगाता वो तो तुरंत टूट जाते, लेकिन भैया ऑब्सीडियन कुछ देर तक हैंडल कर लेता है, इसलिए भैया मैंने ऑब्सीडियन के ब्लॉक लगाए हुए हैं। आओ आगे वेदर की मैं भी ठक टिकी करूंगा हिचकिचकियां। ठीक है बाप सब लोग ठक टिकी करेंगे। तो चलिए भैया ये वाला रूम तो हम लोग का आ गया ऑब्सीडियन रूम। ये देखिए भैया कितना डार्क दिख रहा है। और डार्क तो भाई है। ओए अब जल्दी से आयरन गोलम स्पॉन करना शुरू करते हैं। ओए हाँ भैया चलिए जल्दी से रखते हैं, क्योंकि भैया एक आयरन गोलम को स्पॉन करने के लिए 4 आयरन के ब्लॉक और भैया 1 पम्पकिन चाहिए होता है जिसका फेस कटा हुआ हो। ये देखिए भैया आ गया हमारा आयरन गोलम। मेरा नाम है बल्ले, सबके कर देता हूँ छल्ले गन्ना चोस के। ओए मुन्ना ये तो अभी से छल्ली छल्ली करने लगा। ओए हाँ भैया इसमें दम है। ओए दम तो भाई है। ओए पहले इधर गेट लगा दे नहीं तो भाग ना जाए। हाँ भैया जल्दी से लगाइए।
वैसे तो भैया भागेगा नहीं, क्योंकि भैया इन लोगों को 3 ब्लॉक चाहिए होता है भागने के लिए, क्योंकि भैया ये 3 ब्लॉक के ऊपर ही चलते हैं। हे भैया ये देखिए दूसरा भी आ चुका है। ओए ये किधर देख रहा है? हे भैया देखने दीजिए, अपने आयरन गोलम स्पॉन करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि भैया अभी काफी सारे स्पॉन करने हैं। ओए ये रहा तीसरा, ये देखिए भी स्पॉन हो गया। मैं हूँ दंगल का पहलवान, गन्ना चोस के छोड़ूंगा नहीं। ओए इसी तरह वेदर बॉस को भी नहीं छोड़ना, तोड़ देना फोड़ देना, आज से तुम लोग मेरी आर्मी हो। ओए हाँ भैया ये लोग तो सभी को तोड़ ही देंगे। ये देखिए भैया एक और आ चुका है, 4 हो चुके हैं। ओए बगल से हटो, और भी को आने दो। ओए चलिए भैया 5वां स्पॉन करते हैं। आओ आगे, इससे तो मैं स्पॉन करूंगा। हिचकिचके आओ, ये लगाया पंपकिन। आओ मेरा भी गोलम आ चुका है। हिचकिचके आओ, मैं करूंगा सबके ठाक कटके। आओ आओ आगे, ये तो मेरे जैसे ही बोल रहा है। हिचकिचके आओ। हाँ बाप तुमने इसको स्पॉन किया है। चलिए भैया इसको भी स्पॉन करते हैं जल्दी से। ओए हट जा बगल से, भाषण मत मचाओ ना, तोड़ दूंगा एक एक को। ओए ए भैया ये तो हट ही नहीं रहे। ओए हट जा गोलम, नहीं तो तोड़ दूंगा। हट गया, अब लगाता हूँ पंपकिन। ये क्या? ए भैया आपको उस तरह सीधा लगाना चाहिए था। ओए चल तोड़ते। ओए हट जा, ये ले अब पड़ेगी। ओए मुन्ना ये तो गुस्सा ही नहीं हुआ। ए भैया ये अपना गोलम है, गुस्सा कैसे होगा? इसको हम लोगों ने स्पॉन किया है। वो भैया विलेज वाले गुस्सा करते हैं, क्योंकि भैया उसको तो विलेज वालों ने स्पॉन किया है ना। ये भैया हमारी आर्मी है, हमारा ही, कहाँ मानेंगी। और जल्दी से स्पॉन करते हैं। ओ ये रहा आखिरी गोलम और 10वां भी। ओ ये लगाया पंपकिन, हो गए मुन्ना 10 के 10। अब तो ये लोग वेदर की बैंड बजा देंगे। ओए और जो भी कमी रहेगी हम लोग वेदर की ठाक के ठेकी कर देंगे। क्यों बाप? बिल्कुल सही कहा जैक, हम लोग वेदर को छोड़ेंगे नहीं। हिचके हिचके आ। हाँ भैया अब तो वेदर को कोई नहीं बचा पाएगा हमसे। देखिए भैया कितनी बड़ी आर्मी तैयार कर दी। ओए जवानों सुन लो, कान खोलकर, वेदर को छोड़ना नहीं है, एक एक को तोड़ कर मारना है। ओए ये क्या, कोई सुन ही नहीं रहा? ये सुन रहा है? ओए तू सुन रहा है ना? बिल्कुल, मैं हूँ बल्लीराम गन्ना चोस का। ओए तो सुनते रहना बल्लीराम, किसी को छोड़ना नहीं, अपने साथियों को बता देना है वेदर छोड़ना नहीं चाहिए। ओए तोड़ देना फोड़ देना, लेकिन उसे एकदम तोड़ ही कर मानना। ओए चलिए भैया गोलम तो एकदम रेडी हो चुके हैं। और भैया हम लोग भी जल्दी से कुछ पोषण वगैरह भी बना लेते हैं, क्योंकि भैया थोड़ा सा अंधेरे में दिखेगा नहीं, तो भैया नाइट विजन वगैरह की पोषण तो बनानी पड़ेगी, और भैया पोषण ऑफ रीजनरेशन भी तो बनानी है। चलिए भैया ऊपर चलते हैं जल्दी से। और भैया हम लोग को इंचेंटेड एप्पल भी बनाना है, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि इंचेंटेड एप्पल बना लो सही रहेगा। चलिए भैया बनाते हैं। ओए इंचेंटेड एप्पल क्या होता है? ओए ये क्या जेली कैसा है? ओए ये क्या कर रहा है? हे भैया वो आपको मार रहा है। ओए निकल ले, मुझे मारता है। आओ इसकी तो ठक टिकी हो गई। हिचके हिचके आओ, तुन्ना तुन्ना। ओए ये मुझे मारने आया था, खुद ही मर गया। ओए हे भैया ये छोटा सा था इसीलिए कुछ नहीं कर पाया। ओए बड़ा भी होता तो उसकी भी ठक टिकी कर देता। क्यों बाप? आओ बिल्कुल सही, तुन्ना तुन्ना कर देता। हिचके हिचके आओ। तो चलिए भैया पहले ऊपर चलते हैं, फिर थोड़ी सी और भी तैयारियां कर लेते हैं, और भैया हम लोग फाइनली कल वेदर बॉस को भी मजा चखा देंगे। हे भैया चलिए रात हो रही है, सबसे पहले सो लेते हैं। ओए बिल्कुल सही कहा, गौरव को स्पॉन करते करते थक गया। ओए आओ क्या नींद आ रही है। हिचके आओ। हे भैया चलिए सबसे पहले कुछ एप्पल्स लेकर आते हैं। ओए ये बता मुन्ना, मैंने एंचेंटेड एप्पल के बारे में कभी रेसिपी सुना ही नहीं। ओए इतनी रेसिपी पढ़ी। हे भैया वैसे तो मैंने भी इतना ज्यादा सुना नहीं, मतलब सुना तो है लेकिन रेसिपी नहीं पढ़ी। वैसे भैया बहुत लोग बोलते हैं कि गोल्डन ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, और भैया बीच में एक एप्पल की जरूरत पड़ती है, देखते हैं भैया बनता है कि नहीं। ओए तो जल्दी चलते हैं। ओए बनाते हैं एंचेंटेड एप्पल। हाँ भैया मैंने सुना है इंचेंटेड एप्पल से बहुत सारी पावर मिल जाती है, तब तो भैया वेदर हम लोग का कुछ भी नहीं कर पाएगा। ओए मुन्ना एक तो हम लोग पास ऑलरेडी है ना। हाँ भैया जो कि हम लोग को डिजर्ट टेम्पल से मिला था। ये रहा भैया,
चलिए भैया गोल्डन ब्लॉक ले लेते हैं और बनाते हैं एन्चेंटेड एप्पल। चल ठीक है, किधर गए क्राफ्टिंग टेबल, ये रही। चल मुन्ना जल्दी से बीच में एप्पल रख और चारों तरफ ब्लॉक रख दे। ओए हाँ भैया रखता हूँ, धीरे धीरे काम होता है। आओ हम लोग का कितने सारे गोल्ड का ब्लॉक जाएंगे हिचके यहाँ। ओए तो जाने दे ना, इंचेंटेड एप्पल तो मिलेगा। ये क्या नहीं मिला, पोपट हो गया। हे भैया ये क्या हो गया, पता नहीं कैसे बनता है। तो गाइस कमेंट में बताना जरूर ना भूलिएगा। तो हे गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जल्दी से 100 के फैमिली को टच करने वाले हैं। और अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अब वेदर से फाइट होकर ही रहेगी और उसको मैं ही तोड़ूंगा। ओए और मैं उसके ठक टिक कर दूंगा हिचके हचके तुन्ना तुन्ना। तो इसीलिए इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ओए।